ये परमेश्वर के बहुत ही विश्वस्त दास है और परमेश्वर के लिए हमेशा वो आगे रहे हैं। मैं तो आपके सामने लाना चाहती हूँ, उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मिस्टर जेरबार बहुत पहले मैरनाथा से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा इतने परमेश्वर का काम बहुत तेजी से बढ़ा। वे लोग जगह जगह जाते थे, गिरजा घरों को वो स्थापित करते थे और मिल करके परमेश्वर का काम करते थे। उसके बाद उनको एक बुलाहट आई कि उनको अपना एक स्कूल खोलना चाहिए, जिसमें उनकी धर्म पत्नी मिसेस जून बारला, वो भी बहुत टैलेंटेड है, आपने उनको सुना होगा बीते दिनों में, वो भी यहाँ वचन बांटी थी हमारे साथ। तो दोनों मिल करके ये लोग डिसाइड किए कि अपना स्कूल खोलेंगे और इनका अपना स्कूल चलता है खूटी में, जहाँ बहुत सारे बच्चे आशीषित होते हैं। बहुत अलग तरीके से ये बच्चों का फाउंडेशन देते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत बेसिक तरीके से उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और ये बच्चे जो बड़े होते जाते हैं तो अलग अलग जगहों में उन्होंने अच्छा नाम कमाया है और अच्छे अच्छे तरीके से वो लोग एस्टैब्लिश हुए हैं। उनकी एक बेटी है जिनका नाम है जुवल, जुवल बारला। और मैं इस वक्त बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वे राजी हुए कि हमारे बीच परमेश्वर का वचन पेश कर सके। जिस तरह परमेश्वर ने उन्होंने उन्हें बीते दिनों में उनका इस्तेमाल किया है, हमारा प्रार्थना यही है आगे के दिनों में भी इसी तरह उनको इस्तेमाल करें। तो ये समय आपका है मिस्टर जरल बारला, या मैं ये वक्त आपको देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब सबने मुझे एक मौका दिया है कि मैं इस 24/7 जो सामूहिक प्रार्थना सभा है, इसमें संदेश देने के लिए। मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जो संदेश देने या वचन देने डरता हूं, लेकिन आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे जरूर मदद करेगा कि आप लोगों को एक अच्छे से संदेश देने के। आप इस दुनिया को देख लीजिए, अभी एक साल पहले ये दुनिया में लोग बहुत खुश थे, सभी खुश नजर आते थे, लेकिन एक साल बाद आप देखिए कि दुनिया की हालात कुछ और ही है। कोरोना वायरस COVID-19 पूरे दुनिया में छाई हुई है, हर लोग डर रहे हैं। मैं खूंटी शहर में रहता हूं, खूंटी से करीब 4 किलोमीटर दूर तोरपा रोड में रहता हूं, और हम यहां पर एक कैंपस पे रहते हैं जो कि पास्टर भेंगरा का कैंपस है। मैं इस कैंपस के अंदर रहता हूं, ऐसा लगता है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ के हर एक लोग, हर एक फैमिली, जो 3-4 फैमिली है, सब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये सब करने के बावजूद भी हमें डर सा लगता है, क्योंकि जो COVID-19 कोरोना वायरस ये पूरे दुनिया में छाई हुई है, हर लोग इससे डर रहे हैं। हम हर रोज न्यूज में सुनते हैं कि कितने हजारों लोग मरते जा रहे हैं। आज का जो संदेश है, जिसका शीर्षक है परमेश्वर की दी गई सुरक्षा, गॉड्स प्रोटेक्शन, यह मेरा शीर्षक। और मैं इस संदेश जो आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ये बाइबल में आधारित है, 2 Samuel 22:22-51 को मैं पढ़ूंगा, लेकिन एक साथ मैं नहीं पढ़ूंगा, इसमें से थोड़े थोड़े करके हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि परमेश्वर की दी गई सुरक्षा को हम जब समझेंगे और हमारा अपने आप पर हम भरोसा रखेंगे, इस पे क्या फर्क महसूस करते हैं। सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया खतरों से भरी है। ये मैं जनरल खतरों के बारे में बोल रहा हूं, सिर्फ एक ही तरह का खतरा नहीं, लेकिन बहुत अनेक तरह के खतरे हैं, इससे हमारा दुनिया भरा हुआ है। कुछ लोग
अपना भरोसा खुद पर रखते हैं, और अगर कुछ हानि या नुकसान होता है तो खुद को ही सहना पड़ता है। यह दुनिया इस तरह से, इस तरह के लोगों से भरी है जो कि अपने खुद पर विश्वास करते हैं कि हम अपने आप को खुद बचाव कर लेंगे, बचा लेंगे समस्याओं से या बीमारियों से। यह दुनिया इस तरह के लोगों से भरी है और जब तक नुकसान का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह एक कछुआ के समान, हम कहेंगे आप सबने कछुआ को देखा है, ये लोग इस कछुआ के जैसे हैं, बहुत देर हो चुकी है। यह एक कछुआ के समान है जो अपना सुरक्षा कवच खुद लेकर घूमता है और यह करते हुए वह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। जब हम भरोसा अपने ऊपर ही रखते हैं, अपने आप पे करते हैं, तो हमारी धीमी गति से हम आगे बढ़ते हैं। लोग अपने खुद को इंश्योर्ड कर लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं और अपना जीवन को इंश्योर्ड करा लेते हैं, ये सोच करके कि अगर हमें कुछ होता है इस पैसे से हमारे फैमिली का गुजारा चलता है। हम अपने गाड़ियों को, प्रॉपर्टी को, हर एक चीजों को इंश्योर्ड कर देते हैं यही सोच करके, यही भरोसा करके कि हमें इससे बहुत लाभ होगा। अगर हम नहीं रहे तो इस पैसों से या इस इंश्योरेंस पॉलिसी से हमारे पूरी फैमिली आगे चलती जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह का भरोसा के बारे नहीं बता रहा। सबसे सस्ता और भरोसामंद विकल्प या ऑप्शन या चॉइस है जिसमें विश्वास करने की जरूरत है, पर ऐसे स्रोत या सोर्स हम कहेंगे इंग्लिश में, पर जो दिखाई नहीं देता है, ये जो विश्वास के बारे हम बोल रहे हैं, जिस पर भरोसा हमें रखने को कहा जा रहा है, ये इस तरह का है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, सोर्स या स्रोत हमें दिखाई नहीं देता, और यह सुरक्षा एक ईश्वरीय सुरक्षा है, डिवाइन प्रोटेक्शन। और जैसे जैसे आपका भरोसा उस ईश्वरीय शक्ति पर बढ़ता जाता है, आप भरोसा उस ईश्वरीय शक्ति पर बढ़ता जाता है, आप उसको अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं, और यह भरोसा एक जीवन में महसूस करने लगते हैं, और यह भरोसा एक जीवित परमेश्वर पर होता है। यह सुरक्षा एक सही सोच के, सही सोच को चुनौती देता है। तो ये इस तरह का विश्वास के बारे में कहने जा रहा हूं जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, या ईश्वर या सुरक्षा है। जब हम इस पर भरोसा रखते हैं जीवती परमेश्वर पर, तो हमारा सुरक्षा एक ऐसी सोच को चुनौती देती है। दूसरा सामुएल 22 में दाऊद हमें परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में बताता है, जिसे उसने अपने जीवन में महसूस किया है। यही सुरक्षा हमारे लिए भी है, जो दाऊद के लिए दिया गया था, हमारे लिए भी दिया गया है। अपने दिलों और दिमागों पर जोर दें और समझे कि हमारे लिए विश्वास द्वारा क्या दिया गया है। एक कछुए की तरह हम अपना सुरक्षा कवच लेकर घूम सकते हैं, पर यह सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक सुरक्षा, सुरक्षा का सवाल है जो हमें खुद पर भरोसे से नहीं मिलता। यह सुरक्षा परमेश्वर की बीमा से मिलती है, जिसमें परमेश्वर हमारी देखभाल अपनी रीति से करता है। अब हम दाऊद की सुरक्षा जो कि परमेश्वर की तरफ से है, दी गई थी, उसके बारे में देखेंगे और यह सुरक्षा उसे क्यों दी गई थी। अगर आपके पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, तो हम इसे हिंदी में से पढ़ेंगे। ये दूसरा सामिल 22वां अध्याय
दो से सात आयतें हम पढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट किया हूं कि मेरी वाइफ जून बारला, जो आपको इस स्क्रीन पे तो नहीं दिख रही है लेकिन आप उनकी आवाज सुनिएगा। तो आइए हम दूसरा सामिल 22वां अध्याय 2 से 7 आयतों को पढ़ेंगे और हम देखते हैं पर क्या लिखा हुआ है। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरणा स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था, अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैं यहोवा को पुकारा और उसने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसने कानों में पहुंचाई। ये कितनी अच्छी बात लिखी है। हमारा परमेश्वर, हम जहां भी रहें, जहां से भी प्रार्थना करें, हमारी आवाज सुन लेता है। जब हमारा भरोसा खुद पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर होता है, तब परमेश्वर हमारी अपनी रीति से सुरक्षित करता है। इसको ध्यान दें, जब हमारा भरोसा खुद पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर होता है, तब परमेश्वर हमें अपनी रीति से सुरक्षित करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है। हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। हम एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखेंगे। क्वीन एस्थर, हम इस लड़की के बारे में, जो कि एक लड़की थी, इसके बारे में इसकी कहानी जानते हैं कि एक रानी कैसे बन जाती है और रानी बनने के बाद एक उसके जो लोग थे, यहूदी लोग थे, वो लोग बहुत भयानक समस्या में पड़ गए थे। सारे लोगों को मार देने का आदेश दिया गया था, लेकिन जो एक गॉड फियरिंग क्वीन थी, राजा से बातचीत करती है और राजा इसके बात मान लेता है और अपने लोगों को बचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। यहां पर हम देखेंगे कि जब हमारा भरोसा खुद पर नहीं लेकिन उस पर होता है जिसने हमारी सृष्टि की है, जो कि इस दुनिया का रखवाला है, जिसका ये दुनिया है, उसी को सारे चीजों के बारे पता है, तो हमारा विश्वास या उस भरोसा उसी परमेश्वर पर होना चाहिए जिसने हमें बनाया है। परमेश्वर अपनी इच्छा से सुरक्षा प्रदान करता है। आइए हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। दूसरा सामिल का 22:8-16 आयतें हम पढ़ेंगे। दूसरा सामिल 22:8-16, और हम इसमें देखेंगे कि परमेश्वर अपनी इच्छा से सुरक्षा प्रदान करता है, अपनी इच्छा से। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा सामिल 22:8-16। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी और आकाश की नींवें कांप कर बहुत ही हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांवों तले घोर अंधकार छाया था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर के अंधियारे को मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। उसके सम्मुख के तेज से आग के कोयले दहक उठे। यहोवा आकाश में से गर्जा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। उसने तीर चला चला कर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया और बिजली गिरा गिरा कर उसको परास्त कर दिया। तब समुद्र की था दिखाई देने लगी और जगत की नींवें खुल गई। वह यहोवा की डांट से और उसके रत्नों के सांस की झोंक से हुआ।
जी हाँ, जब हम परमेश्वर को दिल से पुकारते हैं, बस ऊपर दिखावा नहीं, लेकिन जब हम अपने दिल से पुकारते हैं तो वह हमार हमें हर तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। इस चीज को हम ध्यान दें, परमेश्वर अपनी इच्छा से सुरक्षा प्रदान करता है। और जब हम परमेश्वर को दिल से पुकारते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पूरे मन से, पूरी ताकत से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपना विश्वास जताते हैं, अपना भरोसा जताते हैं परमेश्वर को, तब हर तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। हर एक बच्चा, हर एक लोग जो बाइबल को पढ़ते आए हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते आए हैं, जोना की कहानी को जरूर जानते हैं। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को भी पूछूंगा जोना, तो बोलेंगे हाँ, बड़ी सी मछली थी, उसके पेट में जोना था। जोना जो कि समुद्र के नीचे वे उस बड़ी सी मछली के पेट के अंदर था, वहां उसके पास इतना जगह था कि वो घुटना टेक के प्रार्थना भी कर सकता था। वहां से परमेश्वर को पुकारता है और आप देखिए परमेश्वर वहां भी सुन लेता है। तो एक ऐसे ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजते हैं, जिसने हमें बनाया है, जो हमें जानता है, जो कि पूरी दुनिया को जानता है, और हर एक चीज इसी परमेश्वर के कंट्रोल में है। तो याद रखें, हम परमेश्वर को पुकारें। अभी मैं यहां बैठ करके सुन रहा था, आप लोग कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, और आप लोगों का भरोसा उसी परमेश्वर पर है जिसने हम सबको बनाया है। आप लोगों ने जो भी प्रार्थना किया, मैं तो यही आशा करूं कि हर एक प्रार्थना परमेश्वर एक्सेप्ट कर ले और उसका उत्तर भी जल्दी से जल्दी दे। जोना के जैसे, जोना याद करता है परमेश्वर को, क्या करता है परमेश्वर उसे प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो एक मछली के अंदर अगर मैं भी चला जाऊं, कोई भी चला जाए, वो गल जाएगा मछली के अंदर, उसके पेट के अंदर, लेकिन परमेश्वर उसको बचाता है, क्योंकि परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाना था जोना के जरिए से। आइए हम आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 22:17-33। यहां देखेंगे परमेश्वर का सुरक्षा देने की एक वजह होती है, एक कारण होता है। आइए हम इसको देखते हैं, इसको पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 22:17-33। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थ्य थे, मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और उसने परमेश्वर से मुंह मोड़कर और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट ना गया। मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिसमें मेरे फंसने का डर था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूँ। ईश्वर की गति हरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई परमेश्वर, क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है,
वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। जी हाँ, परमेश्वर किसको सुरक्षा देता है, ये सवाल है। परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? अभी हमने पढ़ा है यहाँ दूसरा शामिल 22:17-35 में, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है जो उसके मार्ग पर चलते हैं, जो उसके आज्ञा को पालन करते हैं, जो उसके हुक्म मानते हैं, जो उसके नियमों का पालन करते हैं, उनको सुरक्षा देता है, उनकी सुनता है। आप मोसेस को देखिए, मूसा जो कि छोटा था, उसे उस नील नदी में बचाने के लिए छुपा दिया जाता है। और इसके पेरेंट्स के बारे देखा जाए, पढ़ा जाए, तो वो परमेश्वर को भय मानते थे। उसी परमेश्वर जिसने हमें बनाया उसकी पूजा करते थे, उसकी वर्शिप करते थे, उसको बहुत मानते थे। और परमेश्वर का एक प्लान था कि इसी मूसा को, और वो कहां पर बढ़ता है, उसी राजा जिसने ऑर्डर दिया था कि हर एक बच्चे को मार डालो जो कि उस एज से, कुछ एज लिमिट था उससे जो कम है, उसको सबको मार डालो। लेकिन उसी घर में वो पलता है, बढ़ता है। और परमेश्वर का प्लान देखिए किस तरह से वो इस मूसा से खुश हो जाता है। जो भी कि मूसा काफी गलतियां करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर देखा कि ये जो मूसा है उसके लोगों को वही निकाल पाएगा, वहां से वही निकालेगा, उस मिस्र से अगुवाई करके वो ले जाएगा जो कि उनको प्रॉमिस किया गया था उस लैंड में। तो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उसको सुरक्षा भी देता है। और सुरक्षा कब देता है, किससे प्रसन्न होता है? जब वो हमारे चाल चलन से प्रभावित होता है, जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं और उसके नियमों की पालन करते हैं। अगला हम देखेंगे दूसरा शामिल 2:38-51, दूसरा शामिल 2:38-51 पढ़िएगा। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया, और जब तक उनका अंत ना किया तब तक ना लौटा। मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसा छेद डाला है कि वे उठ नहीं सकते, वरन वे तो मेरे पांव के नीचे गिर पड़े। तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। उन्हें बाट तो जो ही उन्होंने बाट तो जो ही परंतु कोई बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी बाट जो ही परंतु उसने उनको कोई उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर भूमि की धूल के समान कर दिया। मैंने उन्हें सड़कों और गली कूचों की कीचड़ के समान पटक कर चारों ओर फैला दिया। फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। जिन लोगों को मैं ना जानता था वे भी मेरे अधीन हो जाएंगे। परदेशी मेरी चापलूसी करेंगे, वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश में आएंगे। परदेशी मुरझाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण है यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद और अपने वंश पर युगायुग करुणा करता रहे। जी हाँ, आपने यहाँ दाऊद राजा की कहानी सुनी। दाऊद एक राजा था, उसका काम था लड़ाई करना और लड़ते समय लोगों को मार डालना, और एक जारी किया शुरू से लेके अंत तक उसका काम ही था ये, क्योंकि परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर रहा। और उसका काम था कि हर एक जो लड़ाई थी उसमें कामयाबी हासिल करे।
अपनी प्रजा की रक्षा करे, यही उसका काम था। इसलिए उसको लड़ते जाना था और लड़ाई के समय लोगों को कत्ल भी करते हुए जाना था और वो जीत हासिल करना था, क्योंकि उसकी प्रजा की रक्षा के लिए। और परमेश्वर उसको आशीष दिया क्योंकि वो अपना काम जारी रखा, परमेश्वर उसके साथ था। हमें अपना काम पूरी मेहनत और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए करना चाहिए, तभी हमें सुरक्षा मिलेगी और हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक कहानी जो बाइबल में है, एलिया, एलाइजा कहते हैं हम इंग्लिश में, वो भी एक ऑर्डिनरी आदमी था, साधारण, लेकिन परमेश्वर उसको यूज करता है कि राजा के पास जाकर के उसके सामने उसको जो मैसेज देना है उसको देना था। डरा नहीं, क्योंकि राजा या महारानी के पास जाने उसके सामने जाने से पहले आपका हजारों बात सोचना होता था कि मैं जिंदा वापस आऊंगा या आऊंगी या नहीं। लेकिन ये पूरे करेज के साथ, दृढ़ के साथ चला जाता है और राजा के सामने अपने आप पेश करता है और मैसेज दे करके निकल आता है। और उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर इसकी मदद करता है क्योंकि उसका काम वहां पर पूरा नहीं हुआ। जो भी कि उसको छोटी सी नदी के पास रहना पड़ा, पानी वहां का पीना पड़ा, और जब वहां रहता था तो उसके लिए ये जो कौवे थे वो भोजन भी ले आते हैं। जब हम अपने काम को मेहनत की अपने काम मेहनत से करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। आज हम देख रहे हैं इस दुनिया में, मैं यहां पर हूं, मैं जब भी अपने कैंपस के बाहर जाता हूं, किसी ऑटो में कभी बैठता हूं या टाउन में जाता हूं, तो मुझसे पूछते हैं लोग कि सर ये कोरोना कब खत्म। मैं उनसे यही कहता हूं तो मुझे भी पता नहीं कब खत्म होगी, लेकिन या तो रहेगा भी, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। बोलते हैं सर आप तो जानते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ना। देखिए ये जो लोग जिनसे मैं मिलता हूं वो क्रिश्चियन नहीं है, नॉन क्रिश्चियन है, हीदन लोग हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि सेवन डे स्कूल, खूंटे स्कूल, यहाँ पर सच्चे परमेश्वर के को वर्शिप किया जाता है। और हम लोग भी आज यही सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल या बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन हमें मिले ताकि हम कुछ ना हो, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर कहाँ गया। इसलिए मैं इस टॉपिक को आज चुना कि हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां की कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैल गई और हमारा भरोसा जबकि परमेश्वर पर होना चाहिए, वही परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सृष्टि की, जिसका ये दुनिया है, ये पृथ्वी है, लेकिन हमारा विश्वास बहुत ही कम होता जाता है क्योंकि शैतान हमारे करीब है। जो भी कि पवित्र आत्मा भी हमसे बात करता है लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते हैं और हमें सोचते हैं हमारे पास तो पैसा काफी है, हम तो बच जाएंगे, लेकिन ये आपको बचा नहीं पाएगा। लेकिन जब हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, हमें सुरक्षा परमेश्वर ही देगा, परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। आपको मैं उस समय बाइबल कहानी के समय ले चलता हूं जबकि इसराइली लोग मिस्र देश में थे, वहां भी बहुत तरह की विपत्तियां आई, 10 विपत्तियां आई, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। जो भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था वो बच गए और जो नहीं रखता था वो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको सहना पड़ा। लेकिन हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर हमें बीमारियों से और किसी भी तरह के समस्या से हमें बचा सकता है, लेकिन किसको बचा सकता है, जो उसके मार्ग पर चलते हैं, जो उसके नियमों का पालन करते हैं, जो उन पर सच्चे दिल से भरोसा रखते हैं, जो सच्चे दिल से पुकारते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और जो उसे खुश रखते हैं, जिससे परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, इनकी बातें सुन करके परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मौका दिया और मैं अंत करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करता हूं। हमारे महान
परमेश्वर और पवित्र पिता, हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तेरी कृपा की वजह से आज हम जिंदे हैं, आज हम सुरक्षित हैं, हमारा भरोसा तुझ पर रखने के लिए मदद कर और भरोसा को बढ़ाते जाने के लिए मदद कर। सिर्फ तुझ पर, इस दुनिया में प्रॉपर्टी हो, ये पैसे हो, ये बड़े बड़े डॉक्टर हो, हॉस्पिटल्स हो, इन पे भरोसा के सिवाय हमें तुझ पर ही करने की मदद कर। क्योंकि हम जब तुझ पर भरोसा रखेंगे तो कोरोना तो क्या, किसी भी तरह की बीमारी या विपत्ति हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तू ही एक ईश्वर है जिसके हाथ में सब कुछ है, हर एक चीज तेरे कंट्रोल में ही है, कि जो चाहेगा वही होगा, तेरी इच्छा पूरी। छोटी बिनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। 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 मैं इस वक्त मिस्टर जेरल बारला को, जेरल दा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।